हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में नाग पंचमी कब है, 8 या फिर 9 अगस्त। नोट कर लें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। कालसप्र दोष निवारण के उपाय जरूर कर लें आज यह एक उपाय। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। आमतौर पर हरियाली तीज के दो दिन बाद नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा सुख समृद्धि एवं सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर नाग देवता की पूजा करने पर व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे शत्रुओं का भय नहीं रहता। इसके अलावा इस दिन कालसप्र दोष की पूजा की भी विशेषता है, अतः इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से कुंडली से जुड़ा कालसप्र दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, सावन माह में शिव जी के प्रिय सर्प के दर्शन होना काफी शुभ माना गया है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन यदि नाग देवता की पूजा की जाए तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में नाग पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले कुछ महा उपायों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे नाग पंचमी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को मध्य रात्रि 12:36 पर होगी और वहीं इसका समापन 10 अगस्त को देर रात 3:14 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके अलावा नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 8:37 के बीच होगा। पूजा की कुल अवधि 2:37 की होगी। इन खास योगों में आ रही है नाग पंचमी। जी हाँ दोस्तों, इस साल की नाग पंचमी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। 9 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त 2:12 से लेकर 2:12:53 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल रात्रि 7:57 से 9:45 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त 2:02:39 से 2:03:33 तक रहेगा। ये मुहूर्त किसी भी कार्य के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। जानते हैं नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ महा उपायों के बारे में। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन की सभी तरह की समस्याओं का अंत होता है। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना करता है उसे कभी भी नाग या सर्प के डसने का भय नहीं रहता। यदि कुंडली में कालसप्र दोष है तो आप नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन के जोड़े को किसी बहती नदी में प्रवाहित करें या फिर किसी को दान भी दे सकते हैं। ऐसा करने से कालसप्र दोष समाप्त होता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन राहु और केतु के मंत्रों का जाप करने से भी कालसप्र दोष दूर हो जाता है। नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा और फल चढ़ाएं तथा दूध से रुद्र अभिषेक करवाएं। ऐसे महादेव की कृपा प्राप्त होती है। नाग पंचमी के दिन बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे नाग देवता के लिए दूध रखें। ऐसा माना जाता है कि अगर नाग देवता आपके द्वारा रखा हुआ दूध पी लेते हैं तो इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कालसप्र दोष से पीड़ित व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को रोली, चंदन, हल्दी, फूल, दीप आदि अर्पित करें और उनकी आरती करें। अगर कुंडली में राहु और केतु भारी है तो इस दिन सांपों की पूजा जरूर करें। नाग पंचमी के दिन तांबे के लोटे में जल या फिर दूध लेकर नाग देवता को अर्पित करें। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति को भविष्य में सर्प दंश का भय नहीं रहता। नाग देवता उनके सभी कष्टों को हर कर उनके जीवन से जुड़ा हर सुख उन्हें प्रदान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आगे के ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।